हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। और आप लोगों को जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, पुराने हों चाहे नए हों, और उसमें हालांकि मैंने एक डेडलाइन लगाई थी कि अगर एक फलां डेट से पहले ही अगर लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको ये एनालिसिस फ्री मिलेगी। बट मुझे लगा कि जैसा मैं हमेशा करता हूँ कि मैं मेरे किसी भी स्टूडेंट के बीच में फ़र्क नहीं करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स नए हों या पुराने हों, मैं कभी भी डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश नहीं करता हूँ। कुछ भी नया आता है तो उनको मैं देने की वही कोशिश करता हूँ। अगर नए स्टूडेंट से मैंने उसके पैसे लिए हैं और मुझे लगता है कोई चीज़ नहीं एडिशन, तो पुराने लोगों को मैं वो चीज़ देने की कोशिश करता हूँ। कभी ऐसा नहीं होगा कि पुराने लोगों के पास जो स्ट्रैटेजी है और नए लोगों के पास जो स्ट्रैटेजी है वो अलग होगी। अगर मैंने किसी इंडिकेटर का नया इस्तेमाल किया है, कुछ भी किया है, तो मैंने हमेशा से उसको शेयर करने की कोशिश की है। वही मैं आज भी कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और मेरा प्रॉमिस जो था कि अब वीडियो के माध्यम से, जैसे मैं लाइव सेशन कर रहा था, लाइव सेशन करने का टाइम नहीं है, तो कोशिश रहेगी कि ये जो लेवल्स हैं आपके लिए निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, और कुछ शेयर्स रहेंगे चुनिंदा शेयर्स जिसके ऊपर डेली मैं एनालिसिस करूँगा। डेली उसके लेवल्स दिए जाएंगे आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के। तो इस वीडियो में जितने भी लेवल्स दिए जाते हैं, इस वीडियो को आपके पास रहेगा, ये स्टूडेंट ग्रुप में अपलोड करने वाला हूँ ताकि आप सब लोगों को मिल सके। और प्लीज़ अपनी एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मुझे लगता है मैं ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपको सिखा दिया है, आप इसको सीख चुके हैं। और कैसे काम करना है, देखिए चार्ट आपके सामने है, ऑप्शन चेन आपके सामने है। तो अगर निफ्टी की बात करें, आज हम सबसे पहले निफ्टी लेंगे, बैंक निफ्टी लेंगे, फिर जो हमारे टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स हैं उसमें से स्टॉक चूज़ करेंगे और उसके ऊपर कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की बातें करेंगे, 8-10 स्टॉक्स की बातें डेली क्या करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा। आज के दिन का पहला टॉपिक रहेगा निफ्टी का, जो निफ्टी आज की जो क्लोजिंग है, फ्यूचर्स की बातें कर रहा हूँ। 11,534 की क्लोजिंग है, 11,534। और यहाँ पे अगर चार्ट को देखा जाए तो आखिरी के कुछ टाइम पे एक रिकवरी देखने को मिली थी हल्की सी, जब बाज़ार ने 11,464 का लो बनाया था, उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिली थी। वो एक परफेक्ट बाइंग जोन था आपके हिसाब से, आपको मालूम है किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ से जो उसने बाउंस पे किया 534 का, 534 के आसपास ही क्लोजिंग हुई है। और हालांकि एक साइकोलॉजिकल बैरियर है जो 555 आप पकड़ सकते हैं, ठीक है, 550 से ऊपर में पकड़ लीजिए। और उससे ऊपर चलता है बाजार, अगर कल के सेशन में 570, अगर थर्ड क्वार्टर की बात करें, जो क्वार्टर थ्योरी की हम बात करते हैं, 575 से ऊपर अगर चल पड़ता है तो मुझे लगता है कल के सेशन में 680 तक के लिए निफ्टी वापस निकल सकती है, 680 तक के लिए, अगर वो 575 से ऊपर सस्टेन करती है तो। और अगर उसको किसी वजह से वीकनेस आती है और 500 को सस्टेन नहीं करती, 500 को तोड़ती है, तो 500 से नीचे बाइंग जोन रहेगा, बिल्कुल बाय ऑन डिप्स रहेगा। और नीचे अगर खिसकना है निफ्टी में, सेलिंग अगर आती है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर टूट जाता है 540 का, जिसके नीचे वो क्लोज भी हुई है, तो यहाँ से बाजार में कोई बड़ी बात नहीं है, 100 पॉइंट के आसपास की सेलिंग जा सकती है और 390-380 तक भी मार्केट निकल सकता है बड़े आराम से, बहुत आराम से, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वहाँ पे अगर जाता है बाजार, फिर से बाइंग जोन इमर्ज होगा, देखेंगे वहाँ अगर बाइंग है कैसा ओपन इंटर शिफ्ट हो रहा है। और निफ्टी के बाद हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी दोस्तों बिल्कुल प्राइवेट वीडियोस हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसको कोई भी शेयर ना करें। और ये सिर्फ अक्टूबर महीने तक के लिए ही ये वीडियोस फ्री रहेंगे, उसके बाद अगर आपको किसी को भी एनालिसिस वीडियो रहेगा तो उसकी एक फीस होगी। फीस मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, बहुत नॉमिनल सी फीस होगी, क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ तो मेहनत के पैसे आपसे लेने वाला हूँ। आपको लगे अच्छा तो दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो मत लीजिएगा, ठीक है। आपको एनालिसिस सिखा रहा हूँ तो बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा कि एक नया प्रोडक्ट आपको बेच रहा हूँ। मैं कभी भी किसी चीज़ की कंपल्शन नहीं करता हूँ, आज तक मैंने कितने स्टूडेंट्स मेरे हो चुके हैं, मैंने आज तक कोई कंपल्शन नहीं किया। आपको अच्छा लगता है लीजिए, नहीं लगता है मत लीजिएगा, ठीक है ना। बैंक निफ्टी है 29,325 के आसपास आ गई है, और बैंक निफ्टी 2.5% टूटी है, 2.5% बैंक निफ्टी टूटी है। बैंक निफ्टी में रिवाइवल का कोई सीन नहीं था आज की, हमें स्टॉक ऑब्जर्वेशन शीट में बहुत क्लियर लेवल्स थे बैंक निफ्टी के। और यहाँ से बैंक निफ्टी 29,000, ये बहुत बड़ा गैप बना हुआ है बैंक निफ्टी की और निफ्टी की जो पुरानी चाल थी उसमें। अगर एक 29,170 ये एक लेवल है जिसको अगर बैंक निफ्टी होल्ड करती है, इससे ऊपर ऊपर रहती है तो ठीक है, वापसी में अगर चलती है बैंक निफ्टी तो यहाँ से बैंक निफ्टी के लेवल आना चाहिए। देखिए वैसे तो जब बैंक निफ्टी ने 30,100 को तोड़ा था तो उसके बाद ही वीकनेस स्टार्ट हुई थी। हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा कि जब बाजार टॉप आउट करता है तो वहाँ से नीचे के जो रेजिस्टेंस अपने आप टूटते चले जाते हैं, और जब बाजार बॉटम आउट करता है, जैसे आज 450-450 के आसपास में बाजार ने निफ्टी ने बॉटम आउट किया, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली उसने एक बाउंस बैक दिया बड़ा अच्छा। तो
तो जब आप बाइंग जोन में बाजार को लेके आते हैं, वहां से स्टॉक पकड़ते हैं या इंडेक्स पकड़ते हैं, तो आपको बाइंग मिले ही मिलेगी, ऊपर के जितने मर्जी रेजिस्टेंस टूट जाएंगे। ऐसे ही जब बाजार टॉप बनाता है बाजार या कोई भी स्टॉक, और वहां से गिरने की कोशिश करता है, तो नीचे के जितने मजबूत से मजबूत सपोर्ट हो वो सब टूटते चले जाते हैं। यही पैटर्न है एक अप ट्रेंड का और डाउन ट्रेंड का, जिसको हायर हाई और लोअर लो ट्रेंड कहा जाता है। हायर हाई मीन्स हायर हाई अप ट्रेंड, और लोअर लो मीन्स डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, लोअर हाई एंड लोअर लोस। अब यहाँ से 29,500 बहुत बड़ा गैप है, देखिए 170 पॉइंट का गैप है जो फिल करना ज़रूरी है। 29,500 से ऊपर चलेगी बैंक निफ्टी तो तेज़ी दिखाएगी वापस 30,200 के लिए, बट जिसके चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। 29,150 से नीचे जैसे बैंक निफ्टी चलेगी, 325 बंद हुई, यहाँ भी एक 125 पॉइंट का एक गैप है। यहाँ से अगर 29,170 से नीचे चलती है तो 28,700 बैंक निफ्टी आ सकती है, तो प्लीज़ ध्यान से काम कीजिएगा। और शॉर्ट बिल्डअप है बैंक निफ्टी के अंदर में, चांसेस थोड़े कम हैं। अब अगर हम बात कर लें आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स में से कुछ स्टॉक पकड़ लेते हैं, तो अगर भारतीय एयरटेल 7% तेज हुआ है, भारतीय एयरटेल के पोस्टमार्टम कर लेते हैं। भारतीय एयरटेल की क्लोजिंग हुई है, इसमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है, वो 372 से ऊपर चलेगा तो 380 भी टच करेगा, वहाँ प्रॉफिट बुक करके एक बार बाहर आएगा, मोमेंटम है। और 367 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, 367 टूटने के बाद 359 के आसपास भारतीय एयरटेल जा सकता है। अगला स्टॉक रहेगा हमारा इसमें एचसीएल टेक, जो 3.61% तेज हुआ है एचसीएल टेक। दोस्तों आपको पता है जो टॉप गेनर टॉप लूजर्स में ही असली अपॉर्चुनिटी होती है, उसी की हम बात करते हैं। एचसीएल टेक 1083 की क्लोजिंग है, शॉर्ट कवरिंग रैली है इसमें, शॉर्ट कवरिंग रैली आज देखने को मिली। अगर कल भी सस्टेन करती है 87 से ऊपर चलता है एचसीएल टेक 1087 से ऊपर, तो 1098 और 1105 तक भी जा सकता है, बट 1080 का 1080 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। और स्टॉप लॉस अगर टूटता है 1080 ब्रेक होता है 1069 1062 बहुत आसानी से देखने को मिलेगा। और एचसीएल टेक के बाद हम देखते हैं यूपीएल, 3% चला है यूपीएल। और यूपीएल की बात करें, यूपीएल दोस्तों प्लीज बताना जरूर मत भूलिएगा कि एनालिसिस कैसा लग रहा है और ये स्टाइल कैसा है आपसे इंटरेक्ट करने का। 606 रुपए लॉन्ग बिल्डअप इसमें देखने को मिल रहा है, 608-9 रुपये का एक बैरियर रहेगा, 609 रुपये के आसपास में वो ब्रेक होते ही 617-625 रुपये के लिए बाजार चलेगा। और अगर 603 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो बाइंग करना चाहते हैं यूपीएल में, 603 विल बी द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और 603 टूटने के बाद में 590 बहुत आसानी से देखने को मिलेगा। यूपीएल के बाद हम इन्फोसिस ले लेते हैं 804। इन्फोसिस दोस्तों कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ और कोशिश है कि आप लोगों तक एक क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे, और आई होप ये कंटेंट आपको अच्छा लगेगा। 798 की क्लोजिंग है, 3% के आसपास, ये भी बढ़ा था, इसमें भी लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है। और 804 रुपये से ऊपर, जब तक 804 रुपये से ऊपर सस्टेन नहीं करेगा इसमें कोई पैसा नहीं बनेगा। 804 से ऊपर इन्फोसिस निकलता है तो 810 815 बहुत आसानी से टच करेगा, पर 795 के स्टॉप लॉस के साथ ही बाय करें। 795 मेंटेन होता है ठीक है, नहीं मेंटेन होता तो 780 के दर्शन भी हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब हम ले लेते हैं, चार हमने गेनर्स लिए और चार लूजर्स ले लेते हैं। यस बैंक ने टॉप किया है लूज करने में, 14% टूटा है, 14% यस बैंक नो बैंक हो गया। मैं कब से कह रहा हूँ यस बैंक से निकल जाओ, यस बैंक से निकल जाओ, यस बैंक नो बैंक हो चुका है। 41 रुपीज आ गया, शॉर्ट बिल्डअप अभी भी बनाया, 35-36-37 रुपए तक भी जा सकता है, प्लीज बाइंग एब्सोल्युटली अवॉइड करेंगे। इंडसइंड बैंक 6% टूटा दोस्तों, जो मेरी स्टॉक ऑब्जर्वेशन शीट लेते हैं उसमें बहुत क्लियरली इंडसइंड बैंक का लेवल मैंने दे दिया था सुबह ही कि ये 1400 टच करेगा आराम से, और 6% आज टूट गया। अपनी एनालिसिस एक रात पहले होती है बाजार खुलने से पहले होती है, इसी का मजा है। 1393 हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप इसमें बन चुका है, और
और 1383 एक क्रूशियल लेवल रहेगा होल्ड करने के लिए, जो बाई में अभी भी बैठे हुए हैं 1383 के बाई के साथ बैठे हैं, 1425-30 मिले सॉरी 1425-30 मिलता है इसमें से निकल जाइए और चांसेस थोड़े कम हैं। 1382-83 टूटेगा तो सीधा 1325 के आसपास जाने को मिलेगा, 1340-1325 आसानी से जा सकता है। तीसरा शेयर हम ले लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.67। बैंकिंग टूटा है भयंकर तरीके से, बैंकिंग बहुत अच्छा टूटा है। लोगों को लग रहा था कि देखिए जितने भी दूसरे यूट्यूबर्स हैं या जो बाज़ार में लोगों को फंसाने में लगे हैं कि शॉर्ट मत कर देना, कपड़े उतर जाएंगे, बाज़ार छोड़ता नहीं है, हम लोगों को दोनों तरफ मौके देखने हैं। हम लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं देखना कि बाज़ार में तेज़ी ही चलेगी तो तेज़ी में बैठे रहेंगे, मंदी में नहीं आएंगे। हमें तेज़ी के मंदी के दोनों सौदे करने आने चाहिए, हमें पता होना चाहिए ट्रेंड बदल गया, ट्रेंड बदलने पे लॉस बुक करके ट्रेंड के साथ जाने में समझदारी होगी बजाय कि ट्रेंड में ज़बरदस्ती फंसे रहने के। स्टेट बैंक को देख लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 272 शॉर्ट बिल्डअप हो चुका है, बैंकिंग बिल्कुल सेक्टर खराब लग रहा है, बहुत सारे फ्रॉड आते आ रहे हैं और 270 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। 270 तोड़ते ही 261 वहाँ बाइंग आएगी, 261 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो एक इमीडिएटली बाउंस बैक के लिए ज़रूर खरीदेगा। और लास्ट स्टॉक फॉर द नाइट विल बी ICICI बैंक, 3.5% टूटा है, देख लेते हैं ICICI बैंक क्या कहता है। तो थक जाता हूँ रात को बट कोई बात नहीं, प्रॉमिस किया तो क्या ही है। बहुत से नए स्टूडेंट्स हैं जो वेट कर रहे होंगे इस सेशन का, इस एनालिसिस का। 437 की क्लोजिंग है, शॉर्ट बिल्डअप ऐसे ही बाइंग अवॉइड कीजिएगा। 434 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है तो बने रहिए, 434 से ऊपर निकलता है ठीक है, 440 445 446 भी टच कर सकता है पर चांसेस कम है। 434 434 से नीचे 425 421 के लेवल होंगे बहुत आसानी से। दोस्तों आई होप ये प्रॉमिस आपको अच्छा लगा हो और ये वीडियो अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो शेयर बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि ये प्राइवेट वीडियो है और प्राइवेट सेक्शन में ही रहेगी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और उसके बाद जो 3 महीने का टाइम है दिसंबर तक ये बिल्कुल फ्री रहेगी और दिसंबर के बाद ये पेड होने वाली है, अगर आपको लेना है लीजिए। तो उसके बाद अगर आप शेयर भी करना चाहें जब तक फ्री आप शेयर कर सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। तो जो इसको सब्सक्राइब करना चाहेंगे सब्सक्रिप्शन की एक नॉमिनल सी फीस लगेंगे ताकि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके ठीक है। और उम्मीद है कि कल दोबारा मिलेंगे, इन्हीं लेवल्स को अपने नोट कर लीजिए, पेपर पे नोट कर लीजिए, उतार लीजिए, अपने ट्रेड को इसी हिसाब से काम करने का प्लान कीजिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।